यादव, डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 में अन आरक्षित वर्ग में रिक्त चल रहे 1167 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर NH8 पर हुई हिंसा के घाव सालों तक नहीं भर पाएंगे। लेकिन इन घावों पर प्रशासन ने मुआवजा का मरहम लगाने की कोशिश की है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करके मुआवजे के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भिजवा दी है। रिपोर्ट देखिए आप। डूंगरपुर में लगी आग तो ठंडी हो गई, सारा मलबा भी हटा दिया गया है, लेकिन ये जख्म शायद ही कभी भर पाए। इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन ने हिंसा में हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर मुआवजे के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने हाईवे पर हुए नुकसान का सर्वे किया। सर्वे में वाहनों और अचल संपत्ति का करीब 6,60,00,000 से अधिक का नुकसान सामने आया है। इसमें वाहनों में 1,62,50,000 का, वहीं अचल संपत्तियों का 4,98,55,400 रुपए का नुकसान आका गया है। हिंसा में नुकसान के किए गए आकलन के मामले में डूंगरपुर जिले के कार्यवाहक कलेक्टर और ADM कृष्णपाल सिंह चौहान का कहना है कि सरकार या आम नागरिक को भले ही नुकसान कितना हो, लेकिन साल 2008 के सरकारी नियम के अनुसार अधिकतम 75,000 रुपए का ही मुआवजा दिया जा सकता है। उसके सर्वे के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट की, PWD के और रेवेन्यू की एजेंसी को शामिल किया था और विस्तृत सर्वे किया है। वाहनों का और स्थायी संपत्तियों का मिला के 6,60,00,000 रुपए का हमने सर्वे किया है, नुकसान का आकलन किया है और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी। डूंगरपुर हिंसा में किसको कितना नुकसान हुआ? होटल अतिथि पैलेस 2,37,900 रुपए का नुकसान, नील गगन होटल 76,91,150 रुपए का नुकसान, सरकारी शराब का ठेका 45,43,600 रुपए का नुकसान, होटल रीति रिवाज 39,90,750 रुपए का नुकसान, वैष्णवी पेट्रोल पंप 36,80,000 रुपए का नुकसान, होटल ग्रीनलैंड 33,34,000 रुपए का नुकसान, रिलायंस पेट्रोल पंप 17,77,750 रुपए का नुकसान। दरअसल डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 में अन आरक्षित वर्ग में रिक्त चल रहे 1,167 पदों को एसटी वर्ग में भरने की मांग को लेकर एसटी वर्ग ने NH8 पर प्रदर्शन किया। सितंबर से 26 सितंबर तक हाईवे पर जमकर लूटपाट, वाहन, दुकानों, होटलों में तोड़फोड़ और आगजनी कर करोड़ों का नुकसान किया गया। खैर, अब देखना होगा कि सरकार हिंसा में प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे और कब तक कर पाती है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।